बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, कबीर साहब जिन्हें संत कृपाल सिंह जी महाराज फादर ऑफ मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी कहा करते थे, वो एक ऐसे समय में आए कि जब जात पात की ओर लोगों का बहुत ध्यान था। एक ऐसा समय जब इंसान प्रभु को भूलकर दुनिया के कारों में जुट गया था, और जब हम कबीर साहब के लिखे हुए शब्दों की ओर ध्यान देते हैं, तो कबीर साहब बड़े सिंपल वर्ड्स में, आसान से लफ्ज़ों में उस समय के एग्जाम्पल लेकर हमें समझाते हैं कि ज़िंदगी हमें कैसे जीनी चाहिए। और हम सब चाहते हैं कि हम ज़िंदगी सही तरीके से जिए। अलग अलग धर्मों में हम पैदा हुए, जिस धर्म को हमारे घर वाले मानते थे उसी में हम पैदा हुए, अलग अलग घरानों में पैदा हुए, अलग अलग भाषाएं हमारे घर में बोली जाती हैं वही भाषाएं हम सीखनी शुरू हो गए, अलग अलग कल्चर्स जिसमें हमारे माँ बाप जीते थे वही हमारी भी कल्चर बन गई। और फिर इंसान अलग अलग देशों में पैदा हुआ और अपने आप को अपने देश के साथ ही जुड़ना शुरू हो गया। अगर हम देखें तो बहुत सी दीवारें हैं जो हमारे पैदा होते ही हमारे अंग संग हो जाती हैं। किस देश के हम सिटीजन हैं, किस धर्म को हम मानने वाले हैं, किस किस्म के हम भाषा बोलते हैं, कैसा हमारा कल्चर है, हम किस ओहदे तक पहुँचे हैं, क्या हमारा सोशल स्टेटस है। और हम जब अपने आप को देखते हैं तो औरों से अलग रहने के लिए बहुत सी दीवारें हमारी ज़िंदगी में बनी हुई हैं। और फिर जब इंसान जीता है तो करता क्या है, कोशिश करता है कि जहाँ वो पैदा हुआ हो, जिस घराने में पैदा हुआ, जिन तौर तरीकों को वो जानता हो, उनको समझकर उसमें ही जीने की कोशिश करता है। जैसे लोग हमारे अंग संग जी रहे हैं वैसे ही हम जीना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि हर एक की ज़िंदगी में दो रास्ते आते हैं, एक रास्ता वो जो सब लोग ले रहे हैं वही रास्ता हम भी ले लेते हैं, वो रास्ता आसान लगता है, लगता है सब लोग ऐसे ही करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब आप पढ़ते हो, लेट्स से आपने हाई स्कूल कर लिया, फिर आप कॉलेज में जाते हो, और अगर आप कोई टेक्निकल चीज़ पढ़े तो हो सकता है कॉलेज जब जाते हो तो आप हॉस्टल में जाकर हो। और जब इंसान घर से बाहर जाता है तो उसको जो बाल बच्चे और बाहर आए होते हैं उनका बहुत असर पड़ता है। अगर कॉलेज में आपके दोस्त मित्र ज़्यादा स्मोक करते हैं या सिगरेट पीते हैं तो हो सकता है आप भी सिगरेट पीनी शुरू कर दो। आप सोचते तो नॉर्मल है, बाकी पी रहे हैं, मैं क्यों नहीं पी सकता। अगर लोग ज़्यादा मीट मछली अंडा खाते हैं तो आप सोचते हो ये तो सारी दुनिया खाती है, मैं भी खाना शुरू कर दूँ। अगर बच्चे शराब पीते हैं या ड्रग लेते हैं तो वो भी आपको नॉर्मल लगता है, और लगता है बाकी लोग भी कर रहे हैं मैं भी ऐसे करूँ। तो हम वो एक वो रास्ता है जो सब लोग कर रहे हैं वही करना शुरू कर देता है इंसान, क्योंकि उसको लगता है कि ये तो आसान है, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, मैं भी करूँगा तो ठीक है। और एक दूसरा रास्ता हम सबके सामने आता है जिसको कहते हैं द पैथ लेस ट्रॉडन, कि ये वो रास्ता जो कम लोग लेते हैं। वो रास्ता कम लोग लेते हैं क्यों, क्योंकि हमें लगता है कि वो शायद मुश्किल रास्ता हो। वो रास्ता जो आदमी सोच समझ के लेता है, इसलिए नहीं लेता कि सब लोग कर रहे हैं। अब सबको पता है कि सिगरेट पीना खराब है, हर एक जगह हर एक देश में
सिगरेट के पैकेट के ऊपर भी लिखा होता है कि सिगरेट पीना खराब है, इससे आपको लंग्स में कैंसर हो सकता है। लेकिन कितने लोग हैं जो कि सिगरेटें पीते हैं? सबको मालूम है कि शराब पीना या ड्रग्स, हेलुसिनेटिंग ड्रग लेना, ये हमारे लिए ख़राब है, हमारी चेतनता को बिगाड़ता है और बहुत खराबी करता है। तो कितने लोग हैं जो शराब पीते हैं और हेलुसिनेटिंग ड्रग लेते हैं? डॉक्टर तुम्हें बार बार कह रहे हैं कि मीट, मछली, अंडा, ये शरीर के लिए ख़राब है। बहुत सी रिसर्च हुई है और पता है कि इससे हमारे अंदर तकलीफ होगी। और आजकल बहुत सी जो नई रिसर्च आई है उसमें डॉक्टर समझा रहे हैं कि जितनी ताकत शरीर को चाहिए वो एक शाकाहारी जीवन से हमें मिलती है। पर कितने लोग हैं दुनिया में जो मीट खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडे खाते हैं? क्यों? वो लगता है वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो कर, ठीक है ऐसे ही करें। तो इंसान को सोच समझ के अपना रास्ता ढूंढना चाहिए। हो सकता है उस रास्ते पर कम लोग चलते हों, क्योंकि कम लोग चलते हैं उस रास्ते पर, तो हो सकता है हम सोचें ये तो बड़ा मुश्किल होगा। मुझे याद है जब मैं अमेरिका में पहली बार गया 1968 में, 45 साल हो गए, 45 years ago। तो उस समय वहाँ पर वेजिटेरियन होना और शराब ना पीना ये कोई सोच नहीं सकता था। तो वहाँ के लोग सोचते थे कि अगर आप मीट नहीं खाओगे तो तुम जी नहीं सकते, तुम तो मर ही जाओगे, कि उसके बगैर वो और कुछ खाते नहीं। सब्जियाँ तो मिलती बहुत कम थी, तो जो भी मिलता था वो सोचता था तुम जियोगे कैसे। लेकिन अब उस देश में भी लोगों को समझ आनी शुरू हो गई है और 12 मिलियन से ज़्यादा लोग आज वेजिटेरियन हैं। तो वो रास्ता जो कम लोग लेते हैं, सोचते हैं शायद मुश्किल होगा, क्योंकि अगर ऐसी जगह पे आप जहाँ मीट ही मीट मिलता है, वहाँ सब्जी नहीं मिलती, तो आप खाओगे क्या? और वो चीज़ें ढूंढने में आपको शायद दिक्कत भी हो, लेकिन अगर आपको मालूम हो कि वो चीज़ आपके लिए बेहतर है, अच्छी है, ठीक है, तो फिर आप देखोगे कि आपका रास्ता खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाता है। वही लोग जो शुरू में कहते थे कि तुम जियोगे कैसे, तो कुछ ही दिनों के बाद जब उन्हें मालूम हुआ कि ये मीट नहीं खाएंगे, तो खुद ही अच्छी अच्छी सब्जियां ढूंढ के ला के खिलाते थे। क्यों? क्योंकि उनको भी लगना शुरू हुआ कि यही शायद बेहतर है। तो हमने ये देखना है कि हमने कौन से रास्ते पर चलना है। अगर भीड़ के माफक ही चलते रहे तो फिर इस दुनिया से कुछ भी पाए बगैर हम चल बसेंगे। कबीर साहब जिन्होंने संतमत का रास्ता बड़ा खोल खोल के समझाया, वो फरमाते थे कि ये उल्टा रास्ता है। उल्टा क्यों? क्योंकि इस समय हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में, हम सोचते हैं यही असली दुनिया है, जो कुछ करते हैं बाहर की दुनिया के लिए करते हैं। वो कहते थे हमें अंदर की दुनिया में जाना, उल्टा बाहर नहीं अंदर की ओर कदम बढ़ाने हैं। और वो इंसान जो बाहर की चीज़ों को ही असली समझता है, वो सोच भी नहीं सकता कि हमारे अंदर भी कोई दुनिया होगी, क्योंकि जिंदगी भर उसने बाहर ही पाया सब कुछ, उसका पूरा ध्यान फिर बाहर की दुनिया की और ही होता है। कबीर साहब ने बहुत कुछ रूहानियत के रास्ते के बारे में कहा है और जिंदगी का मकसद जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, उसमें क्या क्या रुकावटें आती हैं, वो इस शब्द के जरिए हमें कबीर साहब समझा रहे हैं।
हम सोचते हैं ये जीवन, ये दुनिया, ये रिश्तेदार, ये दोस्त मित्र, ये जिनके साथ हम जीते हैं, हमारे नेबरहुड में रह जाते हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, कि इन्हीं के साथ जीना और इन्हीं के साथ मरना और इन्हीं के साथ सब कुछ करना ही ठीक है और इन जैसे ही रहना ठीक है। तो कबीर साहब हमें इस दुनिया के बारे में समझा रहे हैं, फरमा रहे हैं कि कबीर दीन गवाया दूनी सियो। तो कह रहे हैं कि हमने अपना दीन, अपना ईमान, अपना धर्म, अपना जो मकसद है इस धरती पर आने का, वो गवा दिया। किसके लिए? दुनिया के लिए। कि कबीर दीन गवाया, कि जिस मकसद से हम इस धरती पर आए हैं हमने गवा दिया, दूनी सी और दुनिया के लिए। फिर कहते हैं कि दूनी ना चाली साथ। वो कहते हैं इस दुनिया ने तो हमारे साथ जाना नहीं है, इस दुनिया ने तो यहाँ का यहीं रह जाना है, इनमें से कोई भी नहीं है जो हमारे साथ जाने वाला है, ना हमारे पिताजी, ना हमारी माताजी, ना हमारे बाल बच्चे, ना हमारी पत्नी, ना हमारा पति, ना हमारा चाचा, ताया, मामा, ना ही जो हमारे घर के साथ रहते हैं, ना ही जिनके साथ हम काम करते हैं, ना ही जो हम धन दौलत इस दुनिया में कमाने की कोशिश करते हैं, ना ही जितनी प्रॉपर्टी रहते हैं, ना ही जितना हमारा बैंक बैलेंस है, कि इनमें से कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं। तो जाएगा क्या? जो हमने अपनी रूह के लिए कमाया, क्या हमने अपने आप को जाना? क्या हमने प्रभु से प्रेम किया? क्या हमने अपनी रूह को उड़ान दी? क्या हमने जीते जी अंदर की दुनिया का अनुभव किया? क्या हमने कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाए? क्या हम जिस मकसद से यहां भेजे गए हैं, मकसद हमारा पूरा हुआ? अगर रूहानी तरक्की ना की, अगर आध्यात्मिक तरक्की ना की, तो बाकी सब बेकार है। वो फरमा रहे हैं कि दूनी ना चाली साथ, इस दुनिया की कोई भी चीज हमारे साथ जाने वाली नहीं, वो सब की सब यहां रह जाएगी। रोजाना जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम देखते हैं कि हमारे जान पहचानों में से कोई ना कोई जाने लगता है, और जब उनकी मौत होती है तो उस समय उनके साथ कुछ भी नहीं जाता, बैंक बैलेंस भी यहाँ रह जाता है, उनकी कारें होंगी वो भी रह जाती हैं, उनके मकान होंगे वो भी रह जाते हैं, उनके कपड़े होंगे वो भी रह जाते हैं, उनके जितने रिश्तेदार हैं वो भी रह जाते हैं, कोई उनके साथ जाता नहीं कोई भी। तो अगर सारा समय उनके साथ लगा दिया जिन्होंने हमारे साथ जाना नहीं, ना हमारे मददगार होने हैं, ना हमें दूसरी दुनिया में फायदा करेंगे, तो हमने किया क्या? तो फरमा रहे हैं कि हमारी हालत कैसी है, कि पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ। वो कह रहे हैं हम एक मूर्ख इंसान के माफक हैं जो अपने हाथ में कुल्हाड़ा लेके अपने पैर भी मार देता है। ऐसे लफ्ज कबीर साहब हमें कह रहे हैं ताकि हम समझें कि हमने मूर्ख नहीं बनना है। प्रभु ने ये मौका दिया है अपने आप को जानने का, पिता परमेश्वर को पाने का। प्रभु ने मौका दिया है ताकि हम सच्चाई को जान सकें। प्रभु ने मौका दिया है ताकि हम जीते जी मरने की विद्या सीख सकें, इस शरीर से ऊपर उठ सकें। बार 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 जब भी महापुरुष धरती पर आते हैं, वो हमें समझाते हैं कि ये एक सुनहरा मौका है, इसमें हम अपने आप को जान सकते हैं और पिता परमेश्वर को पा सकते हैं और 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा सकते हैं। हमें आगे की दुनिया तब नहीं देखनी जब हमारी मौत आएगी,
हमें उसका अनुभव अब करना है ताकि हमें मालूम हो कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमें इस शरीर में होते हुए वो जो इसको जान दे रही है, जो हमारी आत्मा है, उसका अनुभव करना है। कबीर साहब फरमाते हैं एक जगह कि जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही तो पाइए पूर्ण परमानंद। और जब वो मरने की बात कर रहे हैं, वो शरीर से ऊपर उठने की बात कर रहे हैं, जीते जी मरने की बात कर रहे हैं। ज़्यादातर इंसान मौत से डरता है, उसे लगता है शायद मौत के समय सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन महापुरुष समझाते हैं कि जो ये शारीरिक मौत है, ये हमारी जिंदगी का अंत नहीं। हमारी असली जिंदगी आत्मिक है, तो ये जो शारीरिक मौत है, ये एक चोला बदलना है। हमारी आत्मा फिर किसी और योनि में जाएगी। और अगर हम सही रास्ता ढूंढ पाए, अगर हम अपनी आत्मा की जानकारी इसी जिंदगी में पा गए, तो फिर हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा लेंगे, हमारे को मोक्ष मिल जाएगा। हम उस अवस्था में पहुंचेंगे जिसमें सदा सदा के लिए पिता परमेश्वर से हम एकमेक हो जाएंगे। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि हम मूर्ख के माफक अपनी जिंदगी को गवाए ना, क्योंकि ये तो जरूरी नहीं कि अगली बार भी हमें किसी मानव चोले में आने का मौका मिले। तो हमारे कर्मों पर डिपेंडेंट होगा। और अगर हर एक योनि में से जाकर इस योनि में वापस आना पड़े, तो आप सोच सकते हो कि 84 लाख जिया जून, अगर हर एक में से जाना पड़े तो कितने लाखों करोड़ों बार फिर शायद मौका मिले। तो कबीर साहब हमें समझा रहे हैं कि हम समझें कि इस जिंदगी का महत्व क्या है, हम जाने कि कितना कीमती जिंदगी है, और हम अपने कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाने शुरू कर दें।